हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू फन कोडिंग। आज की इस ट्यूटोरियल में हम रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनाने वाले विद HTML, CSS एंड JavaScript। तो आपका डेस्कटॉप वर्जन पे, आपका डेस्कटॉप व्यू पे आपका नेविगेशन बार कुछ इस तरह से दिखने वाला है। यहाँ पे आपका लोगो आ गया और ये आपके आगे लिंक्स। जैसे ही मैं लिंक्स पे होवर कर रहा हूँ तो आपका अंडरलाइन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, नीचे से अंडरलाइन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि ये मोबाइल में किस तरह से दिख रहा है। तो ये फुली रिस्पॉन्सिव नेव बार है, मैंने इंस्पेक्ट किया। ये जैसे ही मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, यहाँ देखिए मैं इसको जब इसकी विड्थ जो है वो कम करता हूँ तो क्या हो गया, यहाँ पे जब मोबाइल वर्जन पे आता है तो हमें एक हैमबर्गर मेन्यू दिखेगा और आपका नेव लिस्ट होगा वो आपका साइड में आ जाएगा। तो जैसे ही मैं इस हैमबर्गर बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके लिंक्स जो है वो स्लाइड इन होके और स्लाइड आउट होंगे जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो इस नेविगेशन बार को फुली रिस्पॉन्सिव हम HTML, CSS और JavaScript से किस तरह से बनाएंगे, आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो फाइल्स किस तरह से क्रिएट करेंगे, यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक करके हम वन बाय वन फाइल क्रिएट करेंगे। सबसे पहला फाइल हम क्रिएट कर रहे HTML के लिए, index.html, एंटर। और दूसरा फाइल क्रिएट कर रहे हैं CSS के लिए, style.css, एंटर। और तीसरा हम फाइल क्रिएट करेंगे JavaScript के लिए, main.js, एंटर। फाइल क्रिएशन का काम हो गया। अब चलते हैं सबसे पहले HTML की तरफ। यहाँ मैं प्रेस कर रहा हूँ Shift 1, आपके पास ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास बॉयलर प्लेट आ जाएगा। अब मैं सबसे पहले टाइटल चेंज कर रहा हूँ, टाइटल में कर दूंगा यहाँ पे नेविगेशन। अब लिंक करवाएंगे किस किस को, HTML के अंदर हम स्टाइल शीट को लिंक करवाएंगे और JavaScript को। अगर आप लिंक नहीं करवाएंगे तो आपका ना JavaScript वर्क करेगा आपके वेबसाइट में, ठीक है, ना आपका स्टाइल शीट वर्क करेगा। अब स्टाइल शीट को लिंक करवाने के लिए टाइटल के नीचे मैंने लिखा लिंक, यहाँ देखें लिंक, एंटर करेंगे, फिर स्टाइल शीट का नाम आप जो भी नाम देंगे वो आप नाम यहाँ पे style.css। अब चलते हैं बॉडी के टैग के अंदर। बॉडी के टैग में सबसे पहले आपने क्या करना है, JavaScript को जो है वो करेंगे हम लिंक। तो उसके लिए आपने एट द एंड ऑफ द बॉडी आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट का टैग लगाना है। स्क्रिप्ट, ये सोर्स, ठीक है, ये स्क्रिप्ट सोर्स। अब सोर्स के अंदर आपने यहाँ पे पाथ दे देना है, .slash करके मैं दे दूंगा। JavaScript के फाइल का नाम है main.js। अब हमने स्टाइल शीट को लिंक करवा दिया, JavaScript हमारा लिंक हो चुका है स्क्रिप्ट। अब हम क्या करेंगे, अब नेविगेशन बार के लिए हमें जो HTML चाहिए वो हम लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं इसको ज़रा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ, ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। इसको नीचे कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक क्रिएट करेंगे div with class name nav bar। तो डॉट, जब आप nav bar करेंगे, डॉट का मतलब है क्लास और ये nav bar आप क्लास का नाम है। एंटर करेंगे आपका div क्रिएट हो जाएगा विद क्लास नेम nav bar। इसके अंदर मैं H1 का टैग लगाऊंगा और यहाँ पे मेरा लोगो आ जाएगा नेव बार। और नेव बार के बाद, लोगो के बाद हमें लिंक्स चाहिए, ठीक है। आपका नेव बार में क्या होता है, एक लोगो होता है और एक आपका जो है वो लिंक्स होते हैं। तो लिंक में क्या करेंगे, मैं UL का टैग लगाऊंगा। उस टैग के अंदर, UL के टैग के अंदर मैं क्लास नेम दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने डॉट लगाया। क्लास नेम क्या देंगे हम इसमें, नेव लिस्ट, एंटर। ये देखिए आपका UL क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर मैं लगाऊंगा li का टैग। li के टैग के अंदर आपने क्या करना है, ये देखिए li का टैग है, इसके अंदर आपने क्या करना है, एंकर लगा देना है। ये मैंने लगाया एंकर का टैग। यहाँ पे ये डमी लिंक्स है, ठीक है, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है वो मैंने लगा दिया हैश। और इसके अंदर आपका जो भी लिंक होगा उसका नाम मैंने यहाँ पे सबसे पहले डाल दिया होम। अब आप इसको कॉपी कर लें, जितनी बार ये आपको चाहिए, जितने भी लिंक्स उतनी बार हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये 2 टाइम, मैंने 4 टाइम इसको पेस्ट कर दिया। ये मैंने कर दिया
प्रोफाइल, और ये मेरा आ गया सर्विसेज। सर्विसेज के बाद ये मेरा आ गया कॉन्टैक्ट। नेवबार कंप्लीट हो गया, एक हमने डिव क्रिएट किया, उसके अंदर हमारा जो आ गया लोगो, ठीक है, H1 के टैग के अंदर, और UL के अंदर हमने क्या बनाया, अलाई विद एंकर। अब इसको हम ब्राउजर में ओपन करेंगे, किस तरह से, लाइव सर्वर के साथ, ओपन विद लाइव सर्वर। अब जैसे ही इसको ओपन लाइव विद लाइव सर्वर करेंगे, आपका ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ये देखिए आपका नेवबार आ गया और ये आपके लिंक्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, HTML हमारा यहाँ तक अभी के लिए यहाँ तक जो है वो कंप्लीट है। अब हम चलते हैं जो है वो style.css की तरफ। तो style.css में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर में मार्जिन कर दूंगा 0, पैडिंग कर देंगे 0, और बॉक्स साइजिंग कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स। अब क्या होगा कि आपके जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग थे, मार्जिन जो डिफ़ॉल्ट में आपके मार्जिन और पैडिंग थे, वो हमने हटा दिए, ठीक है, 0 कर दिए। और यहाँ पे मैं फॉन्ट फैमिली डाल देता हूँ एरियल। ये हो गया यहाँ तक आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब मैं इस नेवबार को अपना बैकग्राउंड कलर सबसे पहले दूंगा। तो नेवबार को बैकग्राउंड कलर कहाँ पे देंगे, मैंने एक क्लास क्रिएट किया था नेवबार के नाम से, इसमें मैं डाल देता हूँ बैकग्राउंड कलर RGB। कलर यहाँ डाल देते हैं 41.85.85। ये हमारा कलर आ गया, ये देखे, ये हमारा नेवबार का कलर आ चुका है। अब सबसे पहला जो हमारा काम क्या होगा कि ये जो हमारा नेवबार है और ये जो हमारे लिंक्स हैं, इनके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, जो हमारा नेवबार यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, इसमें मैं अप्लाई कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। अब जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, ये दोनों जो है वो रो में आ जाएंगे। अब इसी तरह इन लिंक्स को रो में बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, जो आपने नेव लिस्ट बनाया था, UL को मैंने नाम दिया था क्लास नेव लिस्ट का। अब इस नेव लिस्ट को उठा के, नेव लिस्ट वाली क्लास को हमने उठाया और इसमें भी लगा देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे, ये भी आपका क्या हो गया, रो में आ गया, विच इज़ गुड। यहाँ तक हमने अच्छे से कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया जो नेवबार में, अब यहाँ मैं कर दूंगा जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस हिवनली। जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस हिवनली करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ आपका ये आ गया लोगो और यहाँ क्या क्या आ गया लिंक्स। अच्छा, इसको अगर हम करें स्पेस बिटवीन, तो बिल्कुल एक कॉर्नर में गए। स्पेस अराउंड हमने कर दिया, ठीक है। तो एक आपका यहाँ पे आ गया लोगो और यह आ गया आपके लिंक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नेवबार को हम वाइट कलर देंगे और इन लिंक्स को वाइट कलर देंगे। तो वो किस तरह से करेंगे, नेव H1 के अंदर कलर दे देता हूँ वाइट। अब आपका नेवबार क्या हो गया, वाइट कलर हो गया। इसको ज़रा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। अच्छा, ये जो आपका उसको लिंक्स को कलर, लिंक्स किसके अंदर है, ये होम आपका किसके अंदर है, एंकर के अंदर है। तो एंकर के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कलर डालना पड़ेगा वाइट। तो नेव लिस्ट हमारा जो है, उसके अंदर हमारा एंकर पड़ा हुआ है, उसको हम कलर दे देते हैं वाइट। ओके, ये देखिए इनके कलर्स जो है वो वाइट हो गए। अब आपको ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इन डॉट्स को किस तरह से हम ख़त्म करेंगे, उसके लिए मैं जो मेरा नेव लिस्ट है, उसके अंदर जो अलाई पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको मैं लिस्ट स्टाइल कर देता हूँ। लिस्ट स्टाइल हम कर देते हैं नन। ये देखिए लिस्ट स्टाइल नन हो गया। अब इस नेवबार को ज़रा हाइट दे देते हैं, क्योंकि इसका हाइट बहुत ही कम है, तो हाइट में इसको दे देता हूँ। कहाँ पे हाइट देंगे, जहाँ पे हमने नेवबार को बैकग्राउंड कलर दिया है। तो यहाँ मैं हाइट दे देता हूँ इसको हाइट ऑफ 10 VH। तो 10 VH जैसे ही हम हाइट देंगे, तो ये देखिए अब इसका हाइट जो है वो बढ़ चुका है।
अब आपने एक बात गौर किया होगा कि ये दोनों जो है वो सेंटर में नहीं है, ये आपका लिंक्स और आपके ये जो है वो सेंटर में नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर। ठीक है, जैसे ही आप अलाइन आइटम सेंटर करेंगे ये दोनों भी सेंटर में हो जाएंगे। अब ज़रा इन लिंक्स पे काम करेंगे क्योंकि इनके नीचे जो अंडरलाइंस हैं हमें इनको ख़त्म करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा एंकर था, ठीक है, एंकर के अंदर हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी आपकी आती है टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन क्योंकि ये अंडरलाइन को ख़त्म कर देगा। ये देखिए अंडरलाइन ख़त्म हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इनके दरमियान में स्पेसिंग डालना है लिंक्स के दरमियान में, तो मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स किया हुआ है, इसमें गैप में डाल देता हूँ 30 पिक्सल का। जैसी 30 पिक्सल का स्पेसिंग हम डालेंगे तो इनके दरमियान में देखें स्पेसिंग आ चुका है। अब ज़रा एक एंकर के अंदर हम जाके इसको फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज में दे देता हूँ 18 पिक्सल का। देखिए अब इनका फॉन्ट साइज बढ़ चुका है, और ज़रा इनमें लेटर स्पेसिंग दे दे ताकि हर लेटर के दरमियान जो है वह थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा स्पेसिंग आ जाए, तो लेटर स्पेसिंग में कर देता हूँ 1 पिक्सल। अब देखिए इन लेटर के दरमियान में 1 पिक्सल का गैप आ चुका है, स्पेसिंग आ चुका है। ठीक है, अब ये जो हमारा गैप है इसको मैं ज़रा बढ़ा के 40 कर लेता हूँ, 50। ठीक है, तो ये हमारे लिंक्स के दरमियान में स्पेसिंग आ गया और ये हमारा नेव बार आ गया। अब इनको जब मैं होवर करूँ तो इनके नीचे मुझे अंडरलाइन लगाना है, तो अंडरलाइन के लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा नेव लिस्ट है, कैंसिल, अच्छा ये जो मेरा नेव लिस्ट लगा हुआ है, ठीक है, नेव लिस्ट के अंदर मेरे पास क्या है, यहाँ पे एंकर है, तो एंकर पे हम लगाएंगे बिफोर, ये हमारा जो नेव लिस्ट है, नेव लिस्ट का जो एंकर है उसके ऊपर लगा देंगे सूडो एलिमेंट बिफोर। कंटेंट में इसमें डाल दूंगा, तो कंटेंट हम खाली छोड़ रहे हैं, बैकग्राउंड जो कलर है वो मैं कर देता हूँ इसमें वाइट। अभी तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा बिकॉज ना इसमें विड्थ है और ना ही हाइट है, तो इसमें विड्थ दे देते हैं, मैं विड्थ दे देता हूँ 100% का, और हाइट भी इसमें दे देंगे, तो हाइट में दे देता हूँ 3 पिक्सल का, ज़्यादा नहीं, 3 पिक्सल का मैंने हाइट दे दिया। अभी भी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो प्रॉब्लम क्या है कि हमने यहाँ पे लगाना पड़ेगा पोजीशन एब्सोल्यूट। तो आप जैसी पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे, आप जब भी यहाँ पे आपने पोजीशन एब्सोल्यूट किया है तो यहाँ पे आपने जाके करना पड़ेगा, जो इसका एंकर है वहाँ पे आपने लगाना पड़ेगा पोजीशन रिलेटिव। अब देखें आपको ये 100% के विड्थ में और 3 पिक्सल के हाइट में आपको ये एक लाइन नज़र आ रहा है, जो कि हमें यही चाहिए। अब मुझे ये बॉटम में चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बिफोर में मैं टॉप कर दूँगा यहाँ पे 100%, तो टॉप 100% करेंगे तो ये देखें बॉटम में आ चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इसको होवर करूँ तब आपका अंडरलाइन शो हो, वरना ना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा नेव लिस्ट है उसके अंदर मेरा एंकर है, इसको जब भी मैं होवर करूं तो इसका बिफोर में क्या हो, ठीक है, विद हमने किस में दिया हुआ है, बिफोर में, तो बिफोर में क्या हो, इसकी विद जो हो जाए वो 100% हो जाए, तब होवर करने पे 100% हो, लेकिन इनिशियल में वैसे ही नज़र आने में क्या हो, 0। तो अब देखें यहाँ पे कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा, लाइन हट चुके हैं, जैसे ही मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो अब आपको लाइन नज़र आ रहा है 100% विद में। तो बिल इसको स्मूथ इसमें ट्रांजिशन लगाने के लिए क्या करूँगा मैं, तो यहाँ पे मैं टॉप 100% के नीचे मैं यहाँ पे एक ट्रांजिशन लगा देता हूँ, ट्रांजिशन हम कर देंगे 0.5 सेकेंड्स इज इन आउट। तो अब देखें जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये मैंने किया, तो देखिए अब इसमें ट्रांजिशन आ चुका है और ये आपका अंडरलाइन आ गया। यहाँ तक क्लियर है, ये हमारा हो गया डेस्कटॉप व्यू। ठीक है, हमने अभी डेस्कटॉप व्यू बनाया, मोबाइल वर्जन पे अभी हम जाने वाले, तो यहाँ तक आपका डेस्कटॉप व्यू कंप्लीट है। अब हम इसको बनाएंगे रिस्पॉन्सिव,
कि ये मोबाइल व्यू में किस तरह से दिखने वाला है। तो ज़रा सा उसके लिए एक काम करते हैं, मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। ये जैसे ही मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, ये देखें आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट करने से अब आप इसको मोबाइल वर्जन पे देख सकते हैं कि ये मोबाइल वर्जन पे किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ये देखें जब यहाँ तक सही काम कर रहा है, तो मैं इसमें चेंजिंग कब करने वाला हूँ, तो 700 एंड यहाँ तक, ठीक है ओके यहाँ तक। जब मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब ये 770 पे पहुँचे, ठीक है, इसके जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो क्या हो जाए, मोबाइल में मोबाइल जो है वो किस तरह से मोबाइल में दिखेगा, अब वो हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमें मोबाइल में इसको दिखाने के लिए मुझे एक हैमबर्गर मेन्यू बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा HTML में और उस हैमबर्गर मेन्यू को हम डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा UL जहाँ पे ख़त्म होता है उसके नीचे मैं एक जो है वो डिफ क्रिएट कर लेता हूँ विथ क्लास नेम हैमबर्गर। तो आप जैसी एक डिफ बनाएंगे एक विथ क्लास नेम हैमबर्गर, उसके अंदर मैं बनाऊँगा स्पैन के टैग 3। तो इस तरह से मैं 3 स्पैन के टैग बना रहा हूँ। तो मैं इसको कॉपी करके नीचे 2 पेस्ट कर देता हूँ, ये आपके 3 स्पैन के टैग आ गए और ये आपका हैमबर्गर। अब हम इसको CSS में डिज़ाइन कर लेते हैं, तो style.css। अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, इसको डिज़ाइन हम किस तरह से करेंगे, अभी देखें आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको यहाँ पे एक जो हमने आइटम क्रिएट किया हैमबर्गर, उसकी स्पेसिंग, उसकी जगह आपके पास आ चुकी है, लेकिन आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा। तो उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेरा हैमबर्गर है, हैमबर्गर के अंदर जो आपने हमने 3 स्पैन बनाए थे वो मैंने उठाया स्पैन, और स्पैन में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ वाइट। और बैकग्राउंड कलर वाइट करने के बाद मैं इसमें विड्थ दे देता हूँ, विड्थ में कर देता हूँ 30 pixels, और हाइट हम इसमें देते हैं ज़्यादा नहीं 3 pixels का। तो अभी भी देखें आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसमें डिस्प्ले ब्लॉक। जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक करता हूँ, ये देखें आपके पास अब ये हैमबर्गर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये सारे ये तो 3 स्पैन है आपको, ये एक दूसरे के साथ जो है वो चिपके हुए हैं, तो इस वजह से ये इस तरह से दिख रहा है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर मार्जिन डाल देता हूँ 5 pixels का। तो जैसे ही आप मार्जिन 5 pixels डालेंगे तो ये आपके पास आ गया हैमबर्गर। ठीक है, तो हमने हैमबर्गर बना लिए, लेकिन ये जो हैमबर्गर है ये हमने मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बनाया है, हमने मोबाइल वर्जन के लिए बनाया है, तो ये हमें डेस्कटॉप पे नहीं चाहिए, ये हमारा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में ये इस तरह से दिखना तो चाहिए, लेकिन आपका ये जो हैमबर्गर है ये नहीं दिखना चाहिए। तो डेस्कटॉप में हम इसको सिंपल क्या करेंगे, जो हमारा जो हैमबर्गर है उसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले नन। तो जैसे ही आप डिस्प्ले नन कर दोगे आपका, अब आपको जो है वो मोबाइल पे सॉरी डेस्कटॉप पे आपको ये जो है वो टॉगल बटन जो आपका है, जो आपका हैमबर्गर है, वो आपको नहीं दिखने वाला। लेकिन मैं इसको ज़रा अब इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें इंस्पेक्ट मैंने किया और 770 पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका 770 पे जब इसकी जो साइज़ इसका पहुँचे तो आपको ये नहीं दिखना चाहिए, जो आपके नेव लिंक्स हैं इसकी जगह आपको टॉगल जो हमने हैमबर्गर बनाया वो आपको दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे से ये सारा जो CSS है इसके नीचे आप बिल्कुल नीचे आके आप हम क्या बनाएंगे, मीडिया क्यूरीज, क्योंकि किसी भी जो है वो वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मीडिया क्यूरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको डेस्कटॉप में किस तरह रखना है, मोबाइल वर्जन पर किस तरह रखना है, तो उसके लिए हम मीडिया क्यूरीज पर काम कर रहे हैं। तो मीडिया क्यूरीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो समझ ले मीडिया क्यूरीज स्टार्ट किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आपने लगाना है 8 के बाद मीडिया, स्क्रीन, स्क्रीन के बाद एंड, और यहाँ आपने देना है मैक्स विद के, मैक्सिमम विद क्या होनी चाहिए आपके जब आप ये मीडिया क्यूरीज अप्लाई कर रहे हैं।
इसको हम ये ब्रेसेस हटा देते हैं। अच्छा, तो मैंने अभी आपको बताया कि मैक्स विथ हम किस पे चेंजेस कर रहे हैं, 770 पे। तो मैक्स विथ हमारा क्या है, ये देखें, ये स्क्रीन मोबाइल का है, 770 पे हम चेंजेस कर रहे हैं। तो मैक्स विथ में यहाँ पे रख देता हूँ, सॉरी, इसके अंदर हमने क्या किया, 770 पिक्सल पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के। अब इसके अंदर हम बताएंगे कि हमने 770 पे क्या करना है। तो 770 पे बेसिकली पहला मेरा जो वो है, क्या करेंगे हम इसको, ये जो मेरे नेव लिस्ट है इनको मैं डिस्प्ले नन कर दूंगा, तो मुझे ये नज़र नहीं आनी चाहिए। तो मैं जो नेव लिस्ट है, नेव लिस्ट, इसको मैं कर दूंगा डिस्प्ले नन। जैसे हमने डिस्प्ले नन किया, अब देखें ये जैसे ही 771 पे पहुंचेगा, और सॉरी 71 नहीं, 769 पे देखें पहुंचा, तो आपका क्या हो गया, आपके पास ये आपका जो नेव लिस्ट था, जो आपके लिंक्स थे, वो अब आपको नज़र नहीं आ रहे। अब जितना हम इसको स्मॉल करते जाएंगे, अब आपको नज़र नहीं आ रहे, इस 770 से ऊपर आपको लिंक्स नज़र आ रहे, तो विच इज़ गुड। अब हमें इसकी जगह क्या नज़र आना चाहिए, हैमबर्गर। तो मैं यहाँ डॉट हैमबर्गर को क्या कर देता हूँ, हैमबर्गर को मैं कर देता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स, सॉरी फ्लेक्स नहीं, डिस्प्ले हम ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक किया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया हैमबर्गर और ये आपका आ गया लोगो। अब आपने क्या करना है, अब हमने लिंक्स को डिज़ाइन करना है कि लिंक्स मोबाइल वर्जन पे किस तरह से दिखने चाहिए। तो हम अभी सारा काम मीडिया क्यूरीज पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्प्ले नन को भी हम हटा देते हैं। तो ये देखें आपका ये लिंक्स भी आपके आ गए। तो सबसे पहले मैं लिंक्स को करूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया मैंने, ये देखें इसके टॉप पे आ गए, क्योंकि अब इसका जो है वो पोजीशन चेंज हो चुका है। पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद मैं क्या करूँगा, इसका सबसे पहले फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करूँगा। तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कर देता हूँ कॉलम, तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम जैसे ही करेंगे तो आपके लिंक्स ये कॉलम में आ जाएंगे। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है बिकॉज वाइट, तो इसीलिए मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे 23.65.65। तो ये मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब देखें आपके पास ये लिंक्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब इसको ये देखें टॉप में ये बिल्कुल चला गया है, आपके आधे लिंक्स टॉप में गए, आधे आपको नज़र आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टॉप कर दूंगा इसमें, टॉप कर देंगे 10%। जैसे आप टॉप जो है वो 10% करेंगे, देखें आपका यहाँ पर आ चुका है और ये आपके लिंक्स आ गए। अब मैं क्या करूँगा, इसमें विद अप्लाई करूँगा, तो विद इसका बहुत ही कम है, ठीक है, तो मैं विद कर देता हूँ इसमें 50%। विद हमने किया 50%, ये देखें 50% पे आ गया। और ऊपर एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे मैंने नेव लिस्ट जो मेरा, नेव लिस्ट कहाँ गया आपका, ये रहा, डिस्प्ले मैंने फ्लैक्स अप्लाई किया, लेकिन मैं यहाँ पे कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम हम कर देंगे सेंटर। तो अब क्या होगा, ये देखें आपके ये लिंक्स जो है वो सेंटर में आ चुके, और इसमें हाइट भी हमें डालना पड़ेगा, तो मैं हाइट इसमें डाल देता हूँ 90 VH का। तो 90 VH मैंने क्यों किया, क्योंकि आपका जो ये देखें 90 VH आपका ये नेव लिस्ट के लिए, और ऊपर आपका जो नेव बार है वो हमने 10 VH का रखा हुआ है, तो पूरा ये मिला के आपके कितना बनता है 100 VH, तो पूरा टोटल कंप्लीट। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें बिल्कुल सेंटर में, तो मुझे सेंटर में नहीं चाहिए, मुझे राइट साइड में चाहिए, तो राइट में इसमें कर देता हूँ 100। अभी देखें नहीं दिख रहा है, तो राइट में कर दूंगा 0%, ठीक है। अब देखें इस तरफ है राइट में, तो कर देता हूँ लेफ्ट 0। अब देखें इस साइड में आपको ये नेव बार नज़र आ रहा है और आपके लिंक्स जो है वो सेंटर में। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको किस तरह से, जैसे हम इसको हैमबर्गर को क्लिक करें, तो आपका ये
अंदर से जो है वो स्लाइड होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक हम क्लास क्रिएट करेंगे जो हमारा नेव लिस्ट है, नेव लिस्ट एक्टिव के नाम से, और इस क्लास को हम यूज़ करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट में। तो ये मैं क्या करूँगा, लेफ्ट इसमें कर दूंगा 100%। इसको हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करने वाले, तो यहाँ पे मैंने इसको नेव लिस्ट कर दी, नेव लिस्ट एक्टिव के नाम से मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास बना लिया। इस क्लास का बेसिकली यहाँ पे अभी कोई काम नहीं है, इसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो एक्टिव करवाएंगे। तो अब यहाँ तक हमारा जो है वो CSS हो चुका, अब हम चलते जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में जाने से पहले मैं आपको कुछ समझा दूँ, क्योंकि जो हमारा नेव बार है उसमें जो हमारी कौन कौन सी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में काम आने वाली है। तो एक तो आपका ये जो है वो लिंक्स का सेक्शन है, क्योंकि ये स्लाइडों के बाहर आने वाला है, तो आपका बेसिकली नेव लिस्ट काम आने वाला है। जो हमने यहाँ पे नेव लिस्ट क्रिएट किया हुआ था ये हमारा काम आने वाला है, और ये हमारा टॉगल बटन काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि जब हम टॉगल बटन पर क्लिक करेंगे तब हमारा जो है वो ये नेव लिस्ट जो है वो लेफ्ट साइड से जो है वो स्लाइड होके आने वाला है। तो दोनों चीज़ें काम आने वाली हैं, इस वजह से हम क्या करेंगे, HTML में मैं इस नेव लिस्ट को यहाँ पे ID दे देता हूँ, नेव लिस्ट के नाम से ID मैंने दे दिया, और इस हैमबर्गर को मैं ID दे देता हूँ बर्गर के नाम से। ID जब आप भी जावास्क्रिप्ट पे काम करें तो ID आप ज़रूर दें, क्योंकि ID यूनिक होती है, तो इससे हम जावास्क्रिप्ट में अच्छे से काम करेंगे। तो अब मैंने ID दे दिया है, सबसे पहले इन दोनों को मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ। वेरिएबल में किस तरह से स्टोर करेंगे, कॉन्स्ट सबसे पहले नेव लिस्ट, मैंने एक वेरिएबल बनाया नेव लिस्ट के नाम से, मैंने इसको इक्वल रखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ID से मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ, और ID मैंने क्या दिया है नेव लिस्ट में, मैंने ID दिया है नेव लिस्ट। ये मेरा हो गया नेव लिस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर। अब एक और वेरिएबल बनाएंगे, मैं बर्गर के नाम से बना रहा हूँ, और इसके अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ डॉक्यूमेंट, इसको भी हम ID से स्टोर करेंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और अब इसके अंदर क्या करूँगा मैं, किस तरह से सिलेक्ट करेंगे ID से, ID मैंने दिया हुआ है बर्गर। अब क्या करेंगे, हमारा जो क्लिक इवेंट है वो किस पे लगने वाला है, बर्गर पे। तो बर्गर पे किस तरह से इवेंट लगाएंगे, तो मैंने उठाया बर्गर और बर्गर पे लगा देंगे ऐड इवेंट लिसनर। इससे क्या होगा, हम इस पे क्लिक इवेंट लगा देंगे। अच्छा, ऐड इवेंट लिसनर बेसिकली आपका जो फंक्शन है ये क्या लेगा, आपके दो पैरामीटर्स, एक आपका ये इवेंट ले लेगा, इवेंट हम क्या रख रहे हैं इसमें क्लिक, जब हम इसमें क्लिक करें तब आपका ये काम करना चाहिए। तो एक हमने क्लिक ले लिया और दूसरा हम इसमें एरो फंक्शन ले लेते हैं। अब इस एरो फंक्शन के अंदर मैं इसको बता देता हूँ काम इसको किस तरह से करना है। तो बेसिकली इसका काम करने का तरीका सिंपल है, मैंने आपको पहले बताया कि style.css में हमने जो एक्टिव क्लास हमने जो बनाया है इसको हमने सिंपल एक्टिव करवाना है। तो इसको एक्टिव किस तरह से करवाना है, जो हमारा नेव लिस्ट है, नेव लिस्ट में जो हमारा क्लास लिस्ट है, क्लास लिस्ट हम क्या करेंगे, न्यू क्लास ऐड करेंगे। तो क्लास लिस्ट हमने करवा दिया डॉट टॉगल। अच्छा, ये टॉगल आपका क्या करता है, टॉगल आपका मेथड ये शो एंड हाइड के लिए यूज होता है। इस बटन पे बेसिकली हम क्लिक करके अपना जो नेव लिस्ट लिंक से हमें इनको शो एंड हाइड करवाएंगे। तो टॉगल लगा के मैंने अब जो मेरा न्यू क्लास है उसको मैं ऐड करवा रहा हूँ, उसका नाम क्या है, नेव लिस्ट एक्टिव। इसको मैंने ऐड करवा दिया सिंपली। अब जब हम ब्राउज़र में आते हैं इसके ऊपर जैसे ही मैं अब क्लिक करता हूँ तो देखिए हाइड शो हो रहा है अब आपको, ठीक है। तो अब आपका जावास्क्रिप्ट हमने लगा दिया, अब आपका नेव बार का ये टॉगल बटन है ये काम कर रहा है। तो अब देखिए ये ऐसे ही डायरेक्ट आ रहा है आपके पास, ये देखिए इसमें कोई स्मूथनेस नहीं है, कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो उसके लिए क्या करूँगा, आप हम चलते हैं style.css में, और आपका जो नेव लिस्ट है यहाँ पे मीडिया क्यूरीज में, यहाँ पे मैं ट्रांजिशन लगा देता हूँ 0.5 सेकंड्स इज एन आउट,
अब जब हम इसके ऊपर जब वो टॉगल के ऊपर क्लिक करेंगे, सॉरी आपका जा रहा है राइट पे, सॉरी लेफ्ट पे, इसको हम कर देंगे माइनस। ठीक है, यहां हम अगर हम करते हैं लेफ्ट 100%, लेफ्ट 50, ठीक है। तो हमने यहां क्या किया, यहाँ पे मैंने लेफ्ट किया 100% और यहाँ मैंने किया -50। आप देखें जब मैं इस हैमबर्गर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए स्लाइड इन हो गया और ये स्लाइड आउट, तो ये हो गया आपका नेव बार। ये इस तरह से आपका डेस्कटॉप में दिख रहा है, जैसे हम लिंक्स के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो आपका नीचे अंडरलाइन आ रहा है और इंस्पेक्ट किया हमने तो ये आपका आ गया मोबाइल वर्जन। जब हम इस टॉगल के ऊपर क्लिक करें तो स्लाइड इन और ये आपका स्लाइड आउट हो रहा है। अच्छा, ये देखें ये आपका डेस्कटॉप वर्जन आ गया, जैसे इसको हम स्मॉल कर रहे हैं तो ये मोबाइल वर्जन और ये आपका स्लाइड इन आउट। ये देखिए हमारा नेव बार बन चुका है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। ये हमने इसको डेस्कटॉप के लिए भी देखा, डेस्कटॉप में हमने किस तरह से इसको ये दिखेगा और मोबाइल वर्जन में किस तरह से दिखेगा, हमने इसको कंबाइन करके HTML, CSS और JavaScript के थ्रू हमने ये नेव बार कम्प्लीटली बनाया आज। आई होप आपने आज की वीडियो को इंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन बाय बाय।